अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं समोसा रोल, जो बहुत टेस्टी और मज़ेदार होते हैं। और मैंने पहला सीज़न आपको रमज़ान का दे दिया है, तो आप ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट में बताएं, और आगे जाके देखिए मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर टेस्टी सी और मज़ेदार सी रेसिपी। रेसिपी में ये खास बात है कि इसमें पट्टी हमें अलहदा अलहदा नहीं बनानी पड़ी। हम उसी टाइम बनाएंगे और उसी टाइम फ्राई कर लेंगे। इजी वाला तरीका मैंने आपको बताया है। आज हम बनाने जा रहे हैं समोसा रोल, जो ये रमजान स्पेशल एपिसोड है जो हम रमजान के लिए बना रहे हैं। ये मैंने 2 कप ले लिए हैं जो मैदे के हैं। ये देखे, ये 2 कप ले लूंगी मैं। तो अब इसमें ऐड करेंगे परात में, इसमें थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे जो हाथ में क्रश कर लेंगे, क्योंकि इसमें ना वो जो बादी वगैरह होती है ना मैदे की, वो निकले तो ज़रा टेस्ट अच्छा हो जाता है। टेस्ट के मुताबिक हम सॉल्ट ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 स्पून हम कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। मिक्स कर लिया। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और डो को हमने ना नरम ना सख्त, इतनी नरम नहीं गूंदना ना इतनी सख्त गूंदना है। हम 25 मिनट के लिए रखेंगे। देखें कितना सख्त है मेरा आटा। अब हम 5 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट देंगे। अब हम अपनी स्टफिंग तैयार करेंगे। उसमें हम डालेंगे 1.5 स्पून या 2 स्पून ऑयल के, कुकिंग ऑयल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 जवे मैंने गार्लिक के ले लिए, तो जो मैंने चॉप कर लिए हैं बारीक बारीक, इसे कूटना नहीं और चॉप भी नहीं, ब्लेंड भी नहीं करना, बस चॉप करना है आपने। अब हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे। लहसुन को मैंने हल्के से सोते कर लिया। अब इसमें हम जो पटाटो आलू मैंने जो पटाटो उबाले हुए हैं, अब इसमें क्रश करूंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ऐसे हमने कर लेने, ये उबाल किए हुए हैं आलू। ये देखें जी, मैंने इसे चॉपर के अंदर चॉप कर लिया। छोटा सा ओनियन ले लिया था एक, जो से मैंने ना बारीक बारीक चॉप कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी हम ऐड कर देंगे आलुओं के अंदर ही। चलिए 3 से 4 मैंने ले लिए, ये भी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मैंने उबाइल कर लिया था, नमक डाल के, मिर्चे दान पे, हल्दी डाल के उबाइल कर लिया था, मैंने इसे श्रेड कर लिया, ये ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटर है, ये ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सारे को ना अब ऐसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। आधी टीस्पून मैंने गरम मसाला ले लिया, आधी टीस्पून दरदरा जीरा ले लिया, धनिया पाउडर आधी टीस्पून ले लिया, चिकन पाउडर आधी टीस्पून ले लिया, ये ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लैक पेपर आधी टीस्पून ऐड कर देंगे। चिकन जो मैंने उबाला था, इसमें मैंने मिर्ची और नमक डाला था, अब हम इसे पहले चेक करेंगे, फिर इसके अंदर नमक और ऐड करेंगे। फ्लेक्स डाल देनी है आधी टीस्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने धनिया डाल देना है। कॉर्नफ्लावर डाल लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून डाल दिया मैंने, आधा मैं और ऐड कर लूँगी। अब हमने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखें जी, कॉर्नफ्लावर और हर चीज़ माशाल्लाह करके अल्हम्दुलिल्लाह मिक्स हो गई है। अब हम इसे ठंडा करेंगे और अपने दूसरे प्रोसीजर की तरफ चलेंगे। ये देखें जी, मैंने इसे गोल गोल पहले करना है। हमने पहले गोल कर लिया, अब हमें साथ इसे ऐसे पलट देना है, ऐसे। ये देखें,
इतना ऐसा ही हमने बनाना है जितना हमारे रोल में आ जाए। ये देखिए जी, सारे आपने इसी साइज से बना लेने हैं। जितने जितने हम रोल काटेंगे उसने उसने हम उसके अंदर डाल लेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये देखें जी, मैंने अब ये बिल्कुल फाइन हो गया था, मैंने फिर भी एक दो मुठ्ठियाँ और दूंगी। ये बिल्कुल जब सही आटा गूंध जाता है ना, फिर आपकी हर चीज़ सही बनती है। ये देखें कितना अच्छा बन गया है। अब हम इसे कुछ नहीं करना, अब हम इसके पेड़े दो बनाएंगे। ये देखें जी, एक मैंने पेड़ा ये बना लिया और एक हम इसे बना लेंगे। अब हम इसकी रोटी बनाएंगे। अब हम अपनी रोटी को बेलेंगे और बेल के हम इसी तरह बड़ी कर लेंगे। ये देखें जी कितनी बड़ी मैंने रोटी बना ली है। इसके ऊपर मैं एक मतलब फिर ऐसे वाण करके बेलना चलाऊंगे कि जो लंबी होनी है वो भी थोड़ी सी हो जाए, क्योंकि ये हमने पतली रोटी बेलनी है। ये देखें जी, पहले हम इसकी साइड काट लेंगे, बराबर कर लेंगे ऐसे। ये देखें जी, हमने इसकी साइड उतार ली है। अब हमने जो वेजिटेबल रोल बनाए हैं ये रखेंगे। अब हम इसको इसके साथ काटेंगे। ये देखें ऐसे करके हम काट लेंगे। ऐसे करना है हमने इसे। ये देखें जी, ये देखें हमने ऐसे करते जाना है। हमने टाइट कर करके ऐसे फोल्ड करते जाना है। ये देखें जी, हमने इसे टाइट कर लिया था। अब हम इधर एक चम्मच डाल के मैंने पानी से मैदा डाल के एक चम्मच हमने गूंद बना ली है। देखें जी ऐसे हमने बनाना है। इसी तरह मैं सबको बना लूंगी, दूसरा दिखाती हूँ आपको। राम राम से आपने नरम नरम हाथों से इसे रोल बनाते जाना है। इसे पकड़ा, गोल लगाया, फोल्ड कर दिया। ये देखें जी, ये देखें, मैं सारे बना लूंगी और आपको दिखा देने हैं। ये मैंने बना लिए हैं। अब हमने ऑयल को ज्यादा गर्म नहीं करना, बिल्कुल नॉर्मल सा रखना और आंच भी नीचे हल्की रखनी है। ये देख लें आप कितना ऑयल गर्म है। देखिए जी, अब मैंने चेंज करना इसे शुरू किया। ये देखें ऐसे हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया। हमने लाइट फ्लेम पर रखना है। ये देखें जी, ठीक है ना। ये देखें अभी गोल्डन ब्राउन होते हैं, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ अभी मैंने चेंज किए हैं। ये देखें जी, हमारे समोसा रोल बिल्कुल रेडी हो गए हैं। देखिए कितने मज़ेदार और टेस्टी बने हैं। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और अब मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।